तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आ गए मैं एक और न्यू वीडियो में और आज हम खेलने जा रहे हैं एक और न्यू सर्वाइवल गेम जिसका के नाम है ओशियन सर्वाइवल। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस कि बीच में फंसा देंगे मुझे भाई किसी समुंदर के और वहाँ पे मुझे सर्वाइव करना है। यहाँ पे शार्क वगैरह भी आएगी। तो लास्ट टाइम हमने खेला था सर्वाइवल एडवेंचर जिसमें कि हमको जंगल में सर्वाइव करना था, बट इसमें हमको आप देख सकते हो बीच में सर्वाइव करना है। मतलब ये पूरा आप देख सकते हो समुद्र है और इसके बीच में मुझे सर्वाइव करना है। यहाँ पर एक मेरी राफ्ट है जो कि थोड़ी डैमेज पे है, टूटी फूटी है, बट काम चल रहा है। इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। मुझे यहाँ पे शायद इन बॉक्सेस को कलेक्ट करना है जिससे कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ सामान। तो ओके, मैंने एक बॉक्स को कलेक्ट कर लिया। इसी से मेरी एक्सपी भी बढ़ेगी। एक्सपी मतलब होता है लेवल, मेरी धीरे धीरे अपग्रेड होती जाएगी जैसे जैसे मैं ज़्यादा सामान लूँगा। मैंने अभी काफ़ी सारे वुड के प्लैंक्स ले लिए और यहाँ से ये डब्बे बह रहे हैं। वैसे इन डब्बों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान मिल जाता है और बाकी वुड के प्लैंक्स है तो हमको वुड ही मिलती है। इसमें शार्क वगैरह भी हैं गाइस। और वैसे अभी तक दिखी तो नहीं है मुझे कोई भी शार्क, बट तो मैंने वहाँ पे चेक किया था जब फ़ोटो में तो दिखा रहा था इस गेम के कि शार्क वगैरह भी है इस गेम में। ओह नहीं आ पाया ये। चलो कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ को कलेक्ट करते हैं। वो रही शार्क, आप देख सकते हो गाइस उसके मुझे फिन दिख रहे हैं। शार्क भी है इस गेम में जो कि मुझे दिख चुकी है अभी। चलो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी कलेक्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे क्रिएट वगैरह करेंगे। अब ये मेरा इसको लेके फर्स्ट गेम प्ले, तो उतना मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा, बट जहाँ तक मैंने सर्वाइवल गेम खेला मुझे पता है कि इसमें भी हमको सामान कलेक्ट करके क्रिएट ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उससे हमारा सर्वाइवल ईजी हो जाएगा सर्वाइव करना। तो अपनी इन्वेंट्री में अभी कुछ पोटैटो हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और सबसे ज़रूरी मेरी एक गन है। अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सप्लाई वगैरह दिखा रहा है क्योंकि सब पैसे से मिल रहा है, यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं मिल रहा है। सबके लिए मुझे कुछ ना कुछ कॉइन देने पड़ेंगे और कॉइन कहाँ से मिलेंगे इसका मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है। पता नहीं कहाँ से कॉइन मिलेंगे। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो लेफ्ट में, और सॉरी गाइस राइट में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ तो मेरी हेल्थ वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पर मैं 3 कैन बना सकता हूँ जिसमें कि मैं पानी वगैरह भर पाऊँगा। हैमर बना सकता हूँ, पिकैक्स बना सकता हूँ, स्टोन एक्स बना सकता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस इसमें भी बनाने के लिए। देखो काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए, मतलब सेम आप बोल सकते हो सर्वाइवल एडवेंचर जैसा ही है, बस इसमें चीज़ें अलग अलग हैं और ये मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लग रहा है क्योंकि उसमें जंगल में हम कुछ भी चीज़ें काट वगैरह भी सकते थे, बट इसमें कहाँ से काटेंगे, इसमें हम बीच में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो बनाने को, और आप देख सकते हो यहाँ पर नेल वगैरह भी है शिप वे, बट इसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है लेवल 7 और अभी मैं लेवल 7 पे नहीं हूँ। इसके लिए मुझे एक्सपी कलेक्ट कर करके लेवल को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे गाइस थोड़े टाइम तक इस गेम को खेलना पड़ेगा, तब मेरी लेवल हो जाएगी जहाँ तक इसको रिक्वायर्ड है। बट कोई बात नहीं, अभी मुझे सामान कलेक्ट करना है जिससे मेरी एक्सपी वगैरह भी बढ़ेगी। तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कुछ बॉक्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कलेक्ट करने को और मुझे लग रहा है कि इसमें यही यही चीज़ें करने को मिलेगा क्या मुझे। तब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ क्रिएट भी करो जो क्रिएट करके आपको दिखा पाऊँ मैं। अगर यही यही लेना रहेगा ना गाइस तो फिर मतलब गेम थोड़ा सा ना मैं बताऊँ तो बोरिंग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से बॉक्सेस बह के जा रहे हैं और उनको मार मार के अपने पास लेना है। चलो मैं थोड़े बॉक्सेस को पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको कुछ बना के दिखाता हूँ इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं। ये तो बॉक्स अभी दूर है, मैं बिल्कुल ऊपर मार रहा हूँ और देखो बॉक्स पे लग गया। ऐसा आप भी कर सकते हो अगर आप ये गेम को खेलोगे तो, थोड़ा सा ऊपर मारोगे ना तो बॉक्स पे लग जाएगा, अदरवाइज बॉक्स काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है तो वो आ नहीं पाता है। देखो तो मुझे वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली है इससे, बट मुझे कुछ क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे बॉक्सेस को लेके कलेक्ट करना पड़ेगा और मैं जितनी बार ये मारता हूँ ना अपनी गन उतनी बार मेरी एक्सपी बढ़ती है। देखो अभी 5 XP बढ़ गई है, मेरी नाव भी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। सोच रहा हूँ मैं नाव को भी बड़ी करूँगा अपनी, और आगे की तरफ मुझे एक आइलैंड भी दिख रहा है तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे चल के, बट अभी तो मुझे नहीं लगता है कि कैसे चल पाएंगे हम। यहाँ पर मैप वगैरह का भी कुछ साइन दिखा नहीं रहा है कि मैं कैसे आगे जा पाऊँगा। अब मुझे अपनी खुद की एक राफ्ट बनानी पड़ेगी तभी मैं उन आइलैंडों को एक्सप्लोर कर पाऊँगी। देखो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से मैंने यहाँ पे सारे बॉक्सेस को कलेक्ट किया है अभी, बट ये बॉक्स तो बहते जा रहे हैं और ऐसे तो गाइस टाइम लगता ही रहेगा।
यहाँ पे मैं एक स्पेयर भी बना सकता हूँ, आर यूज़फुल फॉर डिफेंडिंग योर राफ्ट। अच्छा, मेरी राफ्ट में डिफेंड कर सकता हूँ वो स्पेयर बना के ये। बट मुझे वाटर की ज़रूरत होगी, तो वाटर सप्लायर सॉरी वाटर प्यूरीफायर मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी मैंने टीन कैन बना ली है और एक रोप चाहिए मुझे इसको बनाने के लिए। तो ठीक है, एक रोप भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं बना लेता हूँ वाटर प्यूरीफायर, क्योंकि गाइस वाटर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पे पड़ने वाली है, क्योंकि बीच समुद्र में मुझे पानी तो मिलेगा नहीं, तो मुझे इसी पानी को प्यूरीफाई करके पीना पड़ेगा। तो एक और बना लेता हूँ मैं टीन की कैन। प्यूरीफायर तो मेरे पास बन चुका है, बस मैं इसको इक्विप कैसे करूँगा वो देखना पड़ेगा मुझे इस गेम में। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि बिल्डिंग मतलब मुझे कुछ बेस वगैरह बनाना पड़ेगा क्या उसके बाद? हाँ, बेस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक रोप चाहिए। रोप अभी मेरे पास है नहीं, तो रोप को मैं ले लेता हूँ, पहले बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं वॉल वगैरह भी बना सकता हूँ, विंडो बना सकता हूँ, रेल बना सकता हूँ, डोर बना सकता हूँ, मतलब पूरा घर बना सकता हूँ अपनी नाव पे। सोचो मतलब नाव पे अपना घर बन जाएगा, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये गाइस कुछ हद तक ऐसा लगता है जैसे सर्वाइवल एडवेंचर ही है, क्योंकि उसमें भी इसी टाइप से बनाना पड़ता था हमको, रोटेट वगैरह करने का सिस्टम भी बिल्कुल सेम है। बट मुझे सबसे पहले बनाना है बेस, और बेस के लिए मुझे चाहिए रोप। तो रोप के लिए भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि मटेरियल है या नहीं है। बाकी टेबल बना सकता हूँ, चेयर बना सकता हूँ, बेड बना सकता हूँ, स्टेयर्स बना सकता हूँ, मतलब ऑल चीज़ें बना सकता हूँ मैं जितनी भी इस गेम में है, मतलब जितना एक सर्वाइवल में चाहिए होता है घर बनाने के लिए, वो सब चीज़ें इसमें है, मैं सब चीज़ें बना सकता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पर मैप पर मुझे क्लिक करने का बोल रहा है। और द शार्क इज़ कमिंग, यहाँ पे बता रहा है शार्क आ रही है मेरी तरफ, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ठीक है चलो, बेस बना लेते हैं। और अभी बेस पे मैं रख सकता हूँ क्या मेरा वाटर प्यूरीफायर बिल्ट? ठीक है, मैंने रख दिया सारा गैस। अभी मैं मेरे पानी को प्यूरीफाई कर पाऊँगा, चेक करते हैं कर पाऊँगा या नहीं। यहाँ पे क्लिक करना है मुझे अभी, और स्प्लिट पे दबाना पड़ेगा क्योंकि ड्रिंक। ओके, यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, 1 मिनट में मेरा पानी प्यूरीफाई हो जाएगा। और अगर मैं 20 कॉइन लगाता हूँ तो स्किप हो जाएगा, मतलब तुरंत मुझे पानी मिल जाएगा। बट मेरे पास एक भी कॉइन नहीं है अभी, कॉइन पता नहीं कैसे मिलेगा, कॉइन का मुझे कुछ सिस्टम अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि मेरी लेवल भी 6 हो चुकी है, मैंने ध्यान नहीं दिया लेवल पर, मेरी लेवल 6 हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा लेवल होगी हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइटम्स इसमें क्रिएट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो मेरा पेट भी खाली है और प्यास भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी है, वहाँ पे दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। चलो कुछ खाएंगे, पानी मेरा क्या पता अभी तक गाइस प्यूरीफाई हुआ होगा या नहीं, हो गया होगा तो पी लेंगे, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे डब्बे बह रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो मैं सोच रहा हूँ डब्बे को ले लेते हैं। ओके, मार दिया अभी और आ चुका है एक डब्बा, जिससे मुझे कुछ पोटैटो वगैरह मिल रहे हैं। इस तरफ आएगा तब मैं मार सकता हूँ डब्बे पे। चल डब्बे जल्दी से आ जा। चलो तो अभी मैंने इसको मार दिया, उसको भी ले लिया अपने पास। बस मुझे गाइस इसमें ना ऐसे मार मार के लेना पड़ेगा, बट जो लास्ट वाली इसके बाद वाली मैं वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें ये सब मैं ले रखूँगा पहले से ही, बस उसमें आपको क्रिएट कर करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें लेने में काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। आप लोगों को भी बोरिंग लग रहा होगा, मैं बार बार डब्बे को मार रहा हूँ तो डब्बे को कर रहा हूँ कलेक्ट। तो अभी मैं सबसे पहले खाने वाला हूँ, कुछ खाना पानी पीऊँगा, उसके बाद गाइस प्यास बुझेगी, पेट भर जाएगा अपना, उसके बाद इस गेम को यहीं पे कर देंगे एंड। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट करके इसमें दिखाऊंगा। तो चलो अभी पानी पी लेता हूँ मैं। ठीक है, 30% पानी हुआ, 1% मेरा उसका भी बढ़ चुका है अभी, मतलब हंग्री था मैं। और अब कुछ पोटैटो खा लूँगा, बट उससे पहले पानी लगा देता हूँ, जैसे कि पोटैटो खाऊँ तब तक अपना पानी फिर से प्योरीफाई हो जाए। चलो, ड्रिंकेबल वाटर, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे 4 कैन बना लूँगा ना, जैसे कि गाइस क्या होना था कि एक साथ मैं काफ़ी सारा पानी प्योरीफाई कर पाऊँ। रो वे पोटैटो मैं ईट कर रहा हूँ अभी, जैसे मेरा पेट तो भर रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो चलो, इसमें यही करना है मुझे, डब्बों को कलेक्ट करना है और बाकी अपना वाटर भी प्योरीफाई हो रहा है, मैंने खाना भी खा लिया है। तो चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड। बाकी आप कमेंट बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा, थोड़ा सा रिपीटेबल है क्योंकि वही वही चीज़ें हमको बार बार करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको नई चीज़ देखने को जरूर से मिलेगी। तो वीडियो में मज़ा, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।